प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मित्रों, बात करते हैं मिथुन राशि की कुछ खास बातों की, रोचक तथ्यों के बारे में कि आखिर क्यों टूटते हैं इनके सपने और भी बहुत कुछ आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को आप अंत तक देखिएगा और पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सबसे पहले मैं बता दूँ, ज्योतिष के अनुसार जिनका अक्षर का की कु घ अड़ छ के को हा है वे मिथुन राशि के जातक होते हैं। मिथुन राशि का चिन्ह जुड़वा होता है और मिथुन राशि का स्वामी बुध ग्रह होता है। ज्योतिष के अनुसार मिथुन राशि की कुछ खास बातें हैं जिनके बारे में आज हम चर्चा करते हैं। मिथुन राशि के लोग दूसरे के मन की बात पढ़ सकते हैं, दूरदृष्टि, बहुमुखी प्रतिभा के धनी होते हैं। इन लोगों में अधिक चतुराई से कार्य करने की क्षमता होती है। राशि स्वामी बुध की धातु पारा है। इसका स्वभाव जरा सी गर्मी सर्दी के ऊपर नीचे होने वाला होता है। ऐसा ही स्वभाव इन लोगों का होता है। छोटी छोटी बातों में ये लोग अस्थिर हो जाते हैं। मिथुन राशि के व्यक्ति जीवन साथी के लिए हमेशा ताकत बनकर प्रस्तुत होते हैं, साथ ही घरेलू कारणों के चलते आपस में तनाव रहता है। इस राशि का व्यक्ति वाहनों की अच्छी जानकारी रखता है, नए नए वाहनों और सुखों के साधनों के प्रति आकर्षण होता है, घरेलू साज सज्जा प्रति झुकाव होता है। अगर इनकी कुंडली में मंगल और शुक्र की युति हो तो इनमें स्त्री रोगों को परखने की अद्भुत क्षमता होती है। मंगल के कारण व्यक्ति अपनी बातों का पक्का होता है। इस राशि के लोग ब्रह्मांड के बारे में पता करने की योग्यता जन्मजात होती है। वह वायुयान सैटेलाइट के बारे में ज्ञान बढ़ाते हैं। व्यक्ति को बुद्धि वाले कामों में ही सफलता मिलती है। अपने आप पैदा होने वाली मति वाणी की चतुरता, इस राशि के लोग कुशल कूटनीतिज्ञ और राजनीतिज्ञ साबित होते हैं। हर काम में जिज्ञासा खोजी दिमाग होने के कारण इस राशि के लोग सफल होते हैं। इस राशि के लोग पत्रकार, लेखक, मीडियाकर्मी, भाषाओं की जानकारी, योजनाकार भी बन सकते हैं। इस राशि के व्यक्ति के अंदर एक मर्यादा होती है जो धर्म की ओर बढ़ाती है। व्यक्ति सामाजिक और धार्मिक कार्यों में आगे रहता है, पूजा पाठ करता है और भी बहुत कुछ, मतलब धार्मिक प्रवृत्ति का होता है। इसके अलावा बात करें तो इस राशि के जातक वाद गीत के शौकीन होते हैं। नृत्य कामशास्त्र में विशेष गुण तथा अल्पवीर्य जातकों के मित्र होते हैं। इनकी नासिका ऊंची अथवा तीखी होती है। देखने में चुस्त फुर्तुले परंतु दैनिक कार्यों में आलसी होते हैं। सूर्य की स्थिति इस राशि पर अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार चलें तो 15 जून से 15 जुलाई के मध्य रहती है। इस स्थिति के अनुसार समय अवधि में मध्य पैदा हुए जातक शिक्षा के क्षेत्र में विशेष ख्याति अर्जित करते हैं। ये लोग या तो कोई सर्जन फिजिशियन बनते हैं अथवा लेखन चित्रकारी में विशेष निपुण साबित होते हैं। इनकी रुचि रहस्य विज्ञान की ओर भी होती है, परंतु बढ़ते राशि होने के कारण लेखन चित्रकारी आदि में भी विशेष गुण होते हैं। रहस्य विज्ञान की ओर में भी इनकी रुचि ज़्यादा होती है। बढ़ते राशि होने के कारण अधिकांश जातक स्वतंत्र व्यवसाय नहीं कर पाते, आजीविका पर निर्भर करते हैं। आषाढ़ मास सूर्य मिथुन राशि का सूर्य माना जाता है। चंद्रमा की स्थिति इस राशि पर काफ़ी मतलब अच्छी बनी रहती है। दोनों पक्षों में एक बार सवा दो दिन के लिए बनती है। इसके अनुसार जातक विवाद में अनुराग रखने वाला चंचल स्वरूपवान शांत सुखी भोगी होता है। यदि बुध ग्रह निर्बल ना हो तो जातक शिल्प वाणिज्य अथवा वाक शक्ति में निपुणता प्राप्त करता है। इसके अलावा कला संस्कृति ख्याति प्राप्त खेलों में तथा फिल्म टेलीविजन कलाकारों स्वच्छ राजनीति के क्षेत्र एवं सांस्कृतिक अभिनय का प्रतिनिधित्व जातक खुद करता है। यह राशि किशोरावस्था से युवावस्था के मध्य अपना सर्वोच्च समय जो है वो प्राप्त करती है और अपने सपनों को देखती नहीं बल्कि उनको साकार भी करने की हिम्मत रखती है। तो इसके अलावा जीवन से जुड़ी कोई और परेशानी जैसे विवाह को लेकर, व्यापार को लेकर, नौकरी में तरक्की को लेकर, भाग्योदय को लेकर, रंग अंग को लेकर, ग्रह क्लेश से मुक्ति, कुंडली विश्लेषण, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है तो आप डिस्प्ले के ऊपर स्वामी जी का नंबर देख रहे हैं। आप सीधे भी उनसे बातचीत करके अपनी समस्या का जो समाधान है वो निकलवा सकते हैं और किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप उन्हें बता सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ मित्रों की मिथुन राशि की ये रोचक जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। फिर से एक नए वीडियो में ऐसे ही मुलाकात होगी। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ हो।